राजद में ब्राह्मण और ठाकुर के बीच माथा फोरवल शुरू हो गया है और राज्यसभा में सांसद मनोज झा के ठाकुरों को लेकर दिए गए बयान के बाद राजद नेता आनंद मोहन का एक विवादित बयान सामने आया है। दरअसल राज्यसभा में 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर सदन में अपनी बात रखते हुए आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने ठाकुर समुदायों पर एक कविता सुनाई थी। अब इस कविता को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है, देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर एक कविता सुनाई थी। इसके बाद से ही राजद में ये मामला गर्माता जा रहा है। अब इस कविता को लेकर बिहार के ठाकुर नेता नाराज हो गए हैं। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने मनोज झा के कविता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर मैं उस वक्त राज्यसभा में होता तो उनकी जीभ खींचकर आसन यानी सभापति की ओर उछाल देता। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े समाज सेवी हो तो अपने नाम के आगे झा क्यों लगाते हो, आप पहले अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। इधर आरजेडी विधायक चेतन आनंद मोहन ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपने ब्राह्मणों के विरोध में कविता नहीं पढ़ी। चेतन आनंद ने कहा कि मनोज झा ब्राह्मणों पर कविता क्यों नहीं सुनाते हैं, वो माफी मांगे वरना हम चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीत खींच करके और आसन पर उछाल देता, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं, महिला भी। बात हो रही है ठाकुर का कुआं, आप पहले अंदर के ब्राह्मण को मारे। आप कहते ठाकुरों को मारो, कहां कहां से मारो? रामायण में ठाकुर, महाभारत में ठाकुर, गीता में ठाकुर, तुम्हारा जितना कथावाचक है, दर्जनों सैकड़ों, जो 25 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक लेता है, वो इसी ठाकुर को जप के पेट पालता है। मंदिरों में ठाकुर बैठा हुआ है, कहां कहां से मारोगे ठाकुर? मंदिरों में जहां तुम घंटी बजाते हो, शंख बजाते हो, पेट पालते हो। कुछ समय पहले देखे थे कि एक माननीय सांसद ने किस तरीके से राज्यसभा में ठाकुरों के ऊपर जो है पोएम कहा, मैं देख रहा था और मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग खुद को जो है समाजवाद के जो है समझते हैं कि एक सिपाही है। बहुत आश्चर्य इस बात से भी होता है कि आपने उस समय जब मैं पूरा जो पोएम देख रहा था, इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुर होकर कर दिया। ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज करना है। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी,
जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। राजद के अंदर ब्राह्मण और ठाकुर विवाद पर मचे घमासान पर पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन जिस तरह से राजद के ऑफिशियल फेसबुक से मनोज झा के इस बयान की तारीफ की गई है, वो तो इस बात का इशारा कर रहा है कि मनोज झा से एक रणनीति के तहत ऐसा बयान दिलाया गया है। लाइव 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।